हाँ जी प्यारे विद्यार्थियों, हम फ्लूड डायनामिक्स पढ़ रहे हैं, यानी फ्लूड्स इन मोशन की हम बात कर रहे हैं रेगुलरली। विस्कोसिटी से लेकर अब तक हमने स्टोक्स लॉ पढ़ा, स्टोक्स लॉ में फिजिकल 265 लिखा भी, इसके बारे में हमने जानकारी ली। अब थ्रस्ट, अगर कोई बॉडी मूव करती है उसमें थ्रस्ट कितना लगता है, इन दोनों कंसेप्ट का यूज़ करके फिर हमने टर्मिनल वेलोसिटी की जानकारी ली। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, पॉइज़लिस फार्मूला। पॉइज़लिस फार्मूला हमें क्या बताता है उसको देखो। जैसे मान लीजिए कि हम एक कैपिलरी ट्यूब की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, कैपिलरी ट्यूब। नंबर एक बात तो कैपिलरी ट्यूब क्या होता है ये आपको बता देता हूँ। कैपिलरी ट्यूब एक ऐसी ट्यूब, एक ऐसी पाइप जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंथ के कंपैरिजन में बहुत कम हो, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंथ के कंपैरिजन में बहुत कम हो, ऐसी पाइप को हम कैपिलरी पाइप या कैपिलरी ट्यूब कह सकते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। एक कैपिलरी एक्शन के लिए स्पेशली डिजाइंड कैपिलरी ट्यूब्स होती हैं, उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना कम होता है कि दे आर जस्ट एज थिन एज हेयर इंच। जितना हमारा बाल होता है ना, करीब करीब उसके जैसी पतली इतनी इतनी पाइप्स जो है, ऐसी भी कैपिलरी ट्यूब इवन फिजिक्स लैब में भी कई सारे एक्सपेरिमेंट्स में अवेलेबल होते हैं। Is it clear? Yes, sir. Capillary action, इन चीज़ों के बारे में हम दोबारा से भी बातचीत करेंगे। इसका एक जनरल एग्जाम्पल मैं आप बच्चों को बता देता हूँ। पौधों के अंदर पानी का ऊपर चढ़ना, ये भी एक कैपिलरी एक्शन है। कपड़ा जो है, कोई भी कपड़ा बाल्टी के अंदर अगर हम पानी डालें और उसमें कपड़े का एक किनारा भिगो के छोड़ दें, डुबो के छोड़ दें, तो पानी ऑटोमेटिकली ऊपर कपड़े को पूरे को गीला कर देता है, ये कैपिलरी एक्शन है। दिए के अंदर दिया जलाते हैं तेल ऑटोमेटिकली बत्ती तक पहुंचता रहता है, ये कैपिलरी एक्शन है। यानी वो सारे के सारे जो सब्सटेंसेज हैं वो कैपिलरी ट्यूब जैसा काम कर रहे हैं। तो कैपिलरी ट्यूब का मतलब समझ आ गया। अब मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक ऐसी पाइप ऑफ फ्लो है जिसमें से कोई लिक्विड फ्लो करेगा, आप ऐसा सपोज करेंगे, जिसका लेंथ एल है। लेंथ कितना है? एल। और इसका रेडियस हमने मान लिया आर है। इसका रेडियस कितना मान लिया? आर। आर। इसके अंदर से कोई एक लिक्विड फ्लो कर रहा है। सपोज करते हैं कि लिक्विड इज फ्लोइंग दिस वे, यहाँ पर प्रेशर है P1, यहाँ पर प्रेशर है P2, तो जो प्रेशर डिफरेंस है उसे हम P मान लेते हैं। P किसे मान लेते हैं बेटे? प्रेशर डिफरेंस को, यानी हायर प्रेशर माइनस लोअर प्रेशर। Is it clear? तो ये आपके पास आ जाएगा प्रेशर डिफरेंस। अब पॉइज़लिस फार्मूला क्या कहता है? पॉइज़लिस फार्मूला ये कहता है कि इस ट्यूब में से लिक्विड का कितना वॉल्यूम पर यूनिट टाइम बाहर निकलेगा, पर यूनिट टाइम बाहर निकलेगा, या किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्रॉस करेगा। सपोज करते हैं कि ये कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लिया हमने, यहां से एक यूनिट टाइम में कितना वॉल्यूम लिक्विड का क्रॉस करेगा, यह चार बातों पर डिपेंड करता है। किन चार बातों पर डिपेंड करता है? नंबर एक बात तो प्रेशर डिफरेंस पर। नंबर एक प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा वॉल्यूम पर यूनिट टाइम फ्लो करेगा। वॉल्यूम पर यूनिट टाइम फ्लो, इसे बोलेंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? प्रेशर डिफरेंस के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? प्रेशर डिफरेंस के। दूसरी बात, ये कैपिलरी ट्यूब का रेडियस जितना ज्यादा होगा उसकी पावर 4 इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी आर पावर 4 जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा इसमें से वॉल्यूम पर यूनिट टाइम निकलेगा। क्लियर होगी बात? तीसरी बात, जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसका जो कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी हम नीटा मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं? नीटा। तो कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी जितना ज्यादा होगा उतना ही कम होगा ये लिक्विड का फ्लो। क्लियर हुआ? तो विस्कोसिटी ज्यादा होने से यहाँ पर वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम कम हो जाएगा। जैसे देखो, मान लेते हैं कि यहाँ से पानी गुजर रहा है इस पाइप में से, दूसरा मान लेते हैं यहाँ से हनी शहद गुजर रहा है, तीसरा मान लेते हैं सॉस गुजर रहा है, तो सबसे ज्यादा कौन जाएगा? पानी जाएगा। क्योंकि दूसरे दोनों मटेरियल का विस्कोसिटी पानी से ज्यादा है, तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा होने से वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम कम हो जाता है। क्लियर हुई बात? तो कहने का मतलब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसके क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और नंबर चार, जितनी ज्यादा ये लेंथ होगी उतना ही कम वॉल्यूम पर यूनिट टाइम निकलेगा। ये लेंथ अगर ज्यादा पाइप होगी
पाइप की लंबाई अगर ज्यादा होगी तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम कम होगा, यानी इसके भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। बोलो बच्चे बात समझ आई कि नहीं? तो ये फार्मूला क्या कहता है वो मैं आप बच्चों को लिखवा रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड क्रॉसिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए ट्यूब ऑफ रेडियस आर लेंथ एल प्रेशर डिफरेंस पी अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड क्रॉसिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए ट्यूब ऑफ रेडियस आर लेंथ एल प्रेशर डिफरेंस पी एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नीटा एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नीटा पर यूनिट टाइम इज। अब जानने में नंबर वन कंसेंट्रेट ओवर हियर, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम V by T, इसे हमने Q लिख दिया। क्या लिख दिया? Q, यानी कितना लिक्विड का वॉल्यूम यूनिट टाइम में किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से निकल रहा है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर वन P, नंबर टू इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R पावर 4, नंबर थ्री इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, नंबर फोर इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। कोई डाउट कीजिए बच्चे को? तो जब इन चारों को हम इकट्ठा कर देंगे तो ये लोग क्या कह रहा है, ये लोग कह रहा है कि V by T is directly proportional to P R 4 divided by theta L। इन दोनों में डायरेक्टली, इन दोनों में इन्वर्सली, यही तो कह रहा है ये लोग। और जब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या लगेगा, एगा कॉन्स्टेंट, और ये कॉन्स्टेंट लगेगा बेटे पाई बाय 8। कांस्टेंट क्या लगेगा? पाई बाय 8। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नो सर। सो दिस इज पॉइजनस फन, दिस इज पॉइजनस फन। कोई समस्या है तो पूछ सकते हैं। नो सर। ठीक है, पॉइजली इससे पहले भी पढ़ा है आपने इस चैप्टर में। क्या है पॉइजली? एक्चुअली तो ये साइंटिस्ट का नाम है जिनके नाम के पीछे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का ऐसा यूनिट पॉइजली है, जिसे आप डेका पॉइज भी बोलते हैं। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, यस और नो? यस सर। पॉइजली ऐसा यूनिट है किसका? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। और पॉइजली फार्मूला ये है जो कि हमें बताता है किसी पाइप में से कितना वॉल्यूम वन यूनिट टाइम में क्रॉस करेगा किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से। इज इट फाइन टू यू ऑल? यस सर। ठीक है, लिख लिया? नहीं लिखा तो लिख लीजिए कुछ सेकेंड्स में। अब हम पढ़ेंगे बेटे टाइप्स ऑफ लिक्विड फ्लो, टाइप्स ऑफ लिक्विड फ्लो। इसमें कुछ बेसिक जानकारियां हम लेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस इस चैप्टर से रिलेटेड। तो सबसे पहले हमारे पास है टाइप्स ऑफ लिक्विड फ्लो। इसमें पहला है स्ट्रीम लाइन फ्लो। पहला क्या है? स्ट्रीम लाइन फ्लो। स्ट्रीम लाइन फ्लो क्या होता है ध्यान से देखिए, कॉन्सेंट्रेट ओवर हियर। स्ट्रीम लाइन फ्लो में मान लीजिए कि हमारे पास कोई ट्यूब ऑफ फ्लो है, पाइप ऑफ फ्लो कह लीजिए, ठीक है। इसमें से कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है, इसमें से कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो ये कुछ लिक्विड पार्टिकल्स मान लिया हमने। यहां पर कोई पार्टिकल है, यहां पर कोई पार्टिकल है, यहां पर कोई पार्टिकल है, लाइक दिस। या इसको थोड़ा सा और बढ़िया ढंग से अगर हम बताना चाहें तो इस ट्यूब को थोड़ा बीच में से कर्व्ड बना देते हैं, ठीक है। यहां से लिक्विड जा रहा है सपोज दिस वे, तो यहां पर कोई पार्टिकल है जो इस डायरेक्शन में कुछ वी वेलोसिटी से जा रहा है, सेस Yes, यहाँ पर जो पार्टिकल है इस जगह पर, वो पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में अलोंग द टेंजेंट ही होगी। yes, और यहाँ पर जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी इधर होगी। इज इट क्लियर? और यहाँ पर जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी इधर होगी, ठीक है। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग वेलोसिटी भी पार्टिकल्स की, सेम भी हो सकती है, लेकिन अगर पाइप में कर्व है कहीं
तो फिर वो अलग अलग हो गए. ठीक है. अब स्ट्रीमलाइन फ्लो की क्या खास बात है? हम ऐसे लिक्विड फ्लो को स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं अगर सपोज यहाँ ये कोई पार्टिकल नंबर वन है, पार्टिकल नंबर टू पीछे से आ रहा है, ये वाला पार्टिकल टू मान लेते हैं. ये पार्टिकल टू जब यहां आएगा तो इस पॉइंट से गुजरते हुए उसकी वेलोसिटी इसके जितनी ही और इसकी डायरेक्शन में होनी चाहिए. भले ही उसके आगे या पीछे उसकी वेलोसिटी कम ज्यादा हो, चाहे किसी और डायरेक्शन में हो, लेकिन उस पॉइंट से गुजरे तो उसकी वेलोसिटी वही होनी चाहिए. तो व्हाट आई मीन टू से दैट किसी भी पॉइंट के ऊपर, किसी भी पॉइंट से गुजरने वाले सभी लिक्विड पार्टिकल सेम वेलोसिटी से गुजरने चाहिए वहां से. सेम वेलोसिटी मींस इक्वल मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, इक्वल मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन. तो अब मैं स्ट्रीमलाइन फ्लो की आप बच्चों को डेफिनेशन बता रहा हूं. वो डेफिनेशन क्या है? ए लिक्विड फ्लो इज सेड टू बी स्ट्रीमलाइन. एक लिक्विड फ्लो को स्ट्रीमलाइन कहा जाएगा इफ ऑल ऑफ द लिक्विड पार्टिकल्स क्रॉसिंग थ्रू एनी स्पेसिफिक पॉइंट, किसी एक पॉइंट से गुजरने वाले सारे पार्टिकल्स विल पोजेस सेम वेलोसिटी, विल पोजेस सेम वेलोसिटी, यानी सभी की वेलोसिटी उस जगह पर सेम होनी चाहिए, सिर्फ उस एक पॉइंट पर. इतनी कंडीशन है. और सेम मींस मैग्नीट्यूड में भी डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड में भी डायरेक्शन. मान लीजिए ये पार्टिकल नंबर वन है, जब ये यहां पहुंचेगा इस जगह पे तो इसकी वेलोसिटी इधर होनी चाहिए, जब पार्टिकल टू यहां पहुंचेगा तब उसकी भी वेलोसिटी इधर ही होनी चाहिए और उतनी ही होनी चाहिए, जब पार्टिकल थ्री वहां पहुंचेगा तब उसकी वेलोसिटी उतनी ही और उधर ही होनी चाहिए. अंडरस्टूड है ना? यस सर. तो ये इस टाइप के फ्लो को हम क्या कहते हैं बच्चों? स्ट्रीमलाइन फ्लो. इसकी डेफिनेशन लिख लो. यस सर. नोट्स चेक करूंगा. यस सर. ठीक है. तो डेफिनेशन आप बच्चों ने लिखनी है स्ट्रीमलाइन फ्लो की. उसके बाद देखिए स्ट्रीमलाइन फ्लो के बारे में मैं आपको बताता हूँ स्ट्रीमलाइन किसे कहते हैं. स्ट्रीमलाइन इस रास्ते को कहते हैं जिससे लिक्विड पार्टिकल्स गुजर रहे हैं. अगर लिक्विड का फ्लो स्ट्रीमलाइन्ड फ्लो है तो जिस रास्ते से लिक्विड पार्टिकल गुजर रहे हैं उस रास्ते को हम स्ट्रीमलाइन बोल रहे हैं. क्लियर हुआ? yes, तो ये एक स्ट्रीमलाइन हो गई, इसी प्रकार से एक ये स्ट्रीमलाइन हो गई, इसी प्रकार से एक ये स्ट्रीमलाइन हो गई. बहुत नजदीक नजदीक भी हम बना सकते हैं लेकिन फिर हमें समझ कुछ नहीं आएगा. ये हो गई, ये हो गई. वो जिस रास्ते को फॉलो कर रहे हैं, जिस रास्ते से होकर गुजर रहे हैं उस रास्ते को स्ट्रीमलाइन बोल रहे हैं. समझ आया बेटे कि नहीं आया? yes, आया ना बोलो. yes, यानी वहां एक्चुअल में कोई रास्ता ईंटों से और सीमेंट से बना हुआ नहीं है, ये एक इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनेशन में जहां से पार्टिकल गुजरा वो एक स्ट्रीम लाइन है. इज इट क्लियर? ठीक है. तो इसका मतलब यहाँ काफी सारी स्ट्रीम लाइन है, है कि नहीं? yes, sir. तो ये सारा मिलके क्या बना? बहुत सारी स्ट्रीम लाइन मिला दी तो क्या बना? स्ट्रीम लाइन फ्लो तो बना डेफिनेटली. इसे बोलते हैं ट्यूब ऑफ फ्लो. क्या बोलते हैं? ट्यूब ऑफ फ्लो. क्या होता है? स्ट्रीमलाइंस का बंडल. स्ट्रीमलाइंस का बंडल मतलब पैकेट, यानी कई सारी स्ट्रीमलाइन का इकट्ठा होना, कई सारी स्ट्रीमलाइन का इकट्ठा होना. तो अगली डेफिनेशन आप बच्चों ने लिख लेनी है ट्यूब ऑफ फ्लो. इसकी डेफिनेशन आप बच्चे लिख लेंगे ट्यूब ऑफ फ्लो क्या होता है? ए बंडल ऑफ स्ट्रीमलाइंस, ए बंडल ऑफ स्ट्रीमलाइंस. तो इस पाइप को हम ट्यूब ऑफ फ्लो मान सकते हैं. यस सर. ठीक हुआ. लेकिन उसमें पाइप होना जरूरी नहीं है, बस एक बंडल, बहुत सारी स्ट्रीमलाइन को इकट्ठा कर लें तो वो एक ट्यूब ऑफ फ्लो है. ट्यूब ऑफ फ्लो में क्या खास बात है? ट्यूब ऑफ स्ट्रीमलाइन जितनी ज्यादा होगी ना किसी ट्यूब ऑफ फ्लो में, जितनी ज्यादा होगी उतनी लिक्विड वेलोसिटी ज्यादा होगी, उतनी लिक्विड की वेलोसिटी ज्यादा होगी. बोलो बेटे कोई समस्या है? एनी डाउट टू एनीबॉडी? नो सर. अब हम थोड़ा सा आगे एक दो इंपॉर्टेंट बातें मैं और आपको बता देता हूँ. मान लो कि मैं दो स्ट्रीमलाइन बना रहा हूँ. क्या बना रहा हूँ? दो स्ट्रीमलाइन. एक ये स्ट्रीमलाइन है और एक ये स्ट्रीमलाइन है. क्या मैं ऐसे स्ट्रीमलाइन बना सकता हूँ? नहीं बना सकता. क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि ये दोनों स्ट्रीमलाइन एक दूसरे को एक जगह पर इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है. क्या मतलब इसका? ध्यान से समझिए. इसका कहने का मतलब ये है कि यहां से कोई पार्टिकल आ रहा है, मान लो ये पार्टिकल वन है, जब ये क्योंकि ये स्ट्रीमलाइन फ्लो है तो स्ट्रीमलाइन फ्लो की डेफिनेशन भी ओबे करना चाहिए. जब ये पार्टिकल वन यहां पहुंचेगा इस जगह पर तो ये वाली स्ट्रीमलाइन ये कह रही है कि इस पार्टिकल को इधर जाना चाहिए और ये वाली स्ट्रीमलाइन कह रही है कि इस पार्टिकल को इधर जाना चाहिए. टेंजेंट बना लिया हम. तो स्ट्रीमलाइन की एक खास बात ये होती है बेटे कि स्ट्रीमलाइन के किसी भी पॉइंट के ऊपर, ध्यान से सुनना, स्ट्रीमलाइन के किसी भी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट बनाए. टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा.
तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पर लिक्विड पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है? वेलोसिटी की डायरेक्शन बताता है। अब यहां पर दो टेंजेंट बनेंगे, इस पॉइंट पर दो टेंजेंट बनेंगे, एक टेंजेंट तो इधर बना और एक टेंजेंट इधर बना। इसका मतलब ये पार्टिकल वन इधर जाना चाहिए और इधर भी जाना चाहिए। ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा ना। ना ही तो एक अकेला पार्टिकल दो तरफ जा सकता है। और अगर उसे अलग सोच लें कि चलो दो तरफ नहीं जाएगा, किसी एक तरफ जाएगा, फिर इसकी चॉइस होगी। इसका मतलब या तो इधर जाए या इधर जाए, चॉइस हो गई ना। स्ट्रीमलाइन फ्लो में चॉइस नहीं होगी पार्टिकल्स की, क्योंकि अगर चॉइस हो गई तो उसने तो गड़बड़ा दिया सिस्टम, तो जो फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन रहा ही नहीं। पार्टिकल जाना किधर था? चला गया कहीं और, तो वो स्ट्रीमलाइन फ्लो रहा ही नहीं। हाँ या ना बोलो? यस सर। इसलिए नो टू स्ट्रीमलाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। कोई भी दो स्ट्रीमलाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, आपस में काट नहीं सकती। क्यों नहीं काट सकती? बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, काटने वाले पॉइंट पर, देर आर टू टेंजेंट्स, देर आर टू टेंजेंट्स विच गिव टू डिफरेंट वेलोसिटी डायरेक्शन ऑफ ए पार्टिकल। एक पार्टिकल की दो अलग अलग वेलोसिटी डायरेक्शन बता रहा है, दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट पॉसिबल। इसलिए स्ट्रीम लाइन कभी भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, काटेंगे नहीं। तो कई बार दो नंबर में एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है, राइट प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रीम लाइन्स, राइट प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रीम लाइन्स। तो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज लिखनी है? आपका अगला छोटा सा टॉपिक जो नोट्स में चेक करूंगा उसमें ये सारी चीजें होनी चाहिए। देखो पहली चीज क्या होनी चाहिए आपके नोट्स में? स्ट्रीम लाइन फ्लो की डेफिनेशन पता चल गया। Yes, sir. दूसरी क्या होनी चाहिए? तीसरी क्या होनी चाहिए? चौथा क्या होना चाहिए? प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रीम लाइन्स। अब स्ट्रीम लाइन्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, इसमें पहला पॉइंट क्या लिखोगे? पहला पॉइंट इसकी डेफिनेशन लिख देना स्ट्रीम लाइन। पहला पॉइंट क्या लिख देंगे बच्चों? डेफिनेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन, क्योंकि वो भी तो इसका गुण ही है। स्ट्रीम लाइन की डेफिनेशन इसका गुण तो बता रही है कि एक ऐसा फ्लो जिसमें हर एक पार्टिकल अपने से पहले गए हुए पार्टिकल के सेम डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से चल रहा है, उसे स्ट्रीम लाइन कहते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें हम क्या लिखेंगे कि दो स्ट्रीम लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। नो टू स्ट्रीम लाइन्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, नो टू स्ट्रीम लाइन्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। और इसका कारण लिख देना है क्यों नहीं कर सकती। लिख दोगे बोलो मुझे? यस सर। कोई समस्या? नो सर। तीसरा आप बताएंगे कि स्ट्रीम लाइन फ्लो जो है उसमें ज्यादा स्ट्रीम लाइन होने का मतलब ज्यादा वेलोसिटी, मोर इधर ध्यान देना, More the number of streamlines crossing through any cross section. किसी cross section में से ज़्यादा streamline गुजर रही हैं, it means liquid velocity is greater at that cross section. उस cross section के ऊपर liquid की velocity ज़्यादा हो जाती है। बोलो बेटे कोई समस्या है? Any doubt to anybody? No sir. ठीक है जी। तो ये सारे कुछ हमारे पास streamlines की खास बात है। एक दो बातें आप और भी लिख सकते हैं, जैसे कि इधर से ध्यान से सुनो, तो बीच में बातें नहीं करनी, या फिर अपन एक बार बीच में बंद कर लेते, तुम दो मिनट बातें कर लो, है? ठीक है, पढ़ लेंगे पहले, पक्का? यस सर। क्या दो चार मिनट बातें करनी है? नो सर। ठीक है, डर के कह रहे हो ऐसे? सच में पढ़ने का बहुत मन हो रहा है, सच है? अगर बातें करने का मन कर रहा है तो फिर अपन पहले बातें कर लेते हैं। क्या आपको लगा अभी सर इतना सीरियसली पूछ रहे हैं, तो इनको कैसे कहेंगे सर बातें करने का मन कर रहा है? अच्छा सच सच बताओ, मन किस चीज का कर रहा है? पढ़ने का भी बातें करने का, तो झूठ नहीं बोलना है, कैमरा चल रहा है, कोई वीडियो देखेगा वो समझ जाएगा बात, तो है ना? बताओ पढ़ने का मन कर रहा है कि बातें करने का? सच में इतनी अच्छी लग रही है फिजिक्स? यस सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। स्ट्रीमलाइन क्या होता पता चल गया? यस सर। स्ट्रीमलाइन की तीन प्रॉपर्टीज पता चल गई? यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? मोर या ग्रेटर द नंबर ऑफ स्ट्रीमलाइंस क्रॉसिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, ग्रेटर इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट दैट क्रॉस सेक्शन। उस क्रॉस सेक्शन में उतनी ज्यादा वहां पर क्या होगी? वेलोसिटी होगी। मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट बातें बस यहीं पर आ जाती हैं, इंटरसेक्शन वाला भी हमने समझा ही दिया। ठीक है, तो ये था पहला टाइप ऑफ फ्लो जिसे हम बोलते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो। इसे क्या बोलते हैं? स्ट्रीम लाइन फ्लो। नंबर दो पर आ जाता है बच्चों टर्बुलेंट फ्लो। नंबर दो पर क्या आ जाता है? टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो क्या है? टर्बुलेंट फ्लो में लिक्विड स्ट्रीमलाइन फ्लो की तरह स्टेडी मूव नहीं करता, कांस्टेंट तरीके से मूव नहीं करता, एक ही रेगुलर फैशन या पैटर्न में मूव नहीं करता। इसमें बिल्कुल जरूरी नहीं है कि पार्टिकल उस सेम जगह से सेम वेलोसिटी से चलेगा, पार्टिकल अलग वेलोसिटी से जाएगा, उसका कई कारण होता है। जैसे मान लीजिए कि ये इधर पानी गुजर रहा है, लाइक कुछ लेयर्स मान लिए हमने, ठीक है,
और बीच में कोई पत्थर आ गया, जब कोई पत्थर आएगा तो इससे टकरा के ऐसे लेयर्स बनने लगेंगे कि नहीं लगेंगे? यस सर। लेयर्स बनेंगे, फिर पार्टिकल इधर घूमेंगे ऐसे रोटेशन भी आएगा, हाँ या ना? यस सर। कुछ इधर जाएंगे कुछ इधर जाएंगे, इरेगुलर हो गया ना, मिक्सअप हो गया। ठीक है, तो ऐसे फ्लो को हम टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। ऐसे फ्लो को हम क्या कहते हैं बच्चों? टर्बुलेंट फ्लो। तो जो इरेगुलर फ्लो है दैट इज ए टर्बुलेंट फ्लो, इरेगुलर फ्लो इज ए टर्बुलेंट फ्लो। इज इट फाइन? जैसे मान लेते हैं, मैं आपको एक रफली आइडिया देता हूँ, जैसे हमारे घरों में पानी की सप्लाई आती है, सब हम पाइपें रखते हैं, पाइप से पानी एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। आपने देखा होगा जब पानी पाइप से निकलता है तो बड़ा रेगुलर स्मूथ फैशन से निकलता है, ऐसे देख के बड़ा बढ़िया बढ़िया सा फील होता है, ऐसा निकलता है उसमें से पानी ना। लेकिन अगर हम उसको आगे अंगूठा लगा लें, अंगूठा लगाने से पानी के जो पार्टिकल्स हैं वो दिखने साफ साफ दिखने बंद हो जाते हैं, उसके आप ट्रांसपेरेंट तरीके से उसके आर पार नहीं देख पाते। ये सर? यस सर। तो इसका मतलब वो टर्बुलेंस हो गया वहां पर, तो टर्बुलेंट फ्लो आ जाता है। तो बीच में अगर कोई ऑब्स्टेकल आ गया ना रेगुलर फ्लो में, रेगुलर फ्लो जो था वो स्ट्रीमलाइन था, बीच में कोई रुकावट आ गई तो वहां पर फ्लो टर्बुलेंट हो गया। वहां पर फ्लो क्या हो गया? टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है? इट इज इरेगुलर टाइप ऑफ लिक्विड फ्लो, इट इज इरेगुलर टाइप ऑफ लिक्विड फ्लो इन विच लिक्विड पार्टिकल्स विल नॉट फॉलो एनी रूल, जिसमें लिक्विड पार्टिकल किसी रूल से नहीं चलते, अपनी मर्जी से इधर भी भाग जाता है कोई भी पार्टिकल। इसमें पार्टिकल का रोटेशन भी हो सकता है, रास्ता भी बदल सकता है, वेलोसिटी भी बदल सकता है, एंड सो ऑन। रैंडम जिगजैग फैशन में पार्टिकल चल सकता है, रैंडम जिगजैग फैशन में, जैसे कि झरने से गिरता हुआ पानी, झरने से गिरता हुआ पानी, किसी ट्यूब से बहुत हाई स्पीड से निकलता हुआ पानी, जैसे मान लीजिए कि वो हम बाल कंघी करने से पहले वो फुवारा डालते हैं पानी वाला, बार्बर शॉप पे देखा होगा, नाई की दुकान पे वो बालों को गीला करते हैं, उससे जब पानी निकल रहा है तो वो पानी इरेगुलर फैशन में निकलता है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो फैशन है दैट इज टर्बुलेंट फ्लो, दैट इज टर्बुलेंट फ्लो। तो टर्बुलेंट फ्लो के बारे में लिख लेंगे दो बातें। तीसरा आ गया बच्चों लेमिनार फ्लो, तीसरा क्या आ गया? लेमिनार फ्लो। वैसे तो जो लेमिनार फ्लो है ना वो स्ट्रीमलाइन फ्लो ही है एक टाइप से, इसमें भी यही वाले रूल फॉलो होते हैं, बट इसमें अलग क्या है, इसमें लिक्विड लेयर में मूव करता है, इसमें लिक्विड किस में मूव करता है? लेयर में। ये स्ट्रीमलाइन एक्चुअल में आइडियल लिक्विड फ्लो है, आइडियल लिक्विड कोई हो उसके फ्लो को हम स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं, अदरवाइज लेमिनार फ्लो। तो ये दोनों काफी सिमिलरिटीज है इनमें, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? तो यहाँ पर जो लिक्विड है वो लेयर्स में मूव करेगा, लिक्विड किस में मूव करेगा? लेयर्स में मूव करेगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास लिक्विड ये नीचे से ऊपर की तरफ दिखा रहा हूँ, जैसे नहर में चल रहा है सपोज, तो अपर लेयर फास्टेस्ट मूव करेगी, लोअर लेयर थोड़ी उससे स्लो, उससे फिर स्लो, ऐसे इस टाइप के फ्लो को लेमिनार फ्लो कहते हैं। इस टाइप के फ्लो क्या कहते हैं बेटे? लेमिनार फ्लो। तो इन लेमिनार फ्लो लिक्विड मूव्स इन लेयर्स, लिक्विड मूव्स इन लेयर्स, या लिक्विड फ्लोज इन लेयर्स, लेयर्स में मूव करता है, इन विच इफ इट इज ओपन टू एटमोस्फियर, अगर एटमोस्फियर में ओपन है अपर लेयर विल मूव फास्टेस्ट, सबसे ऊपर वाली लेयर फास्ट मूव करेगी, एंड द बॉटम लेयर विल मूव विद जीरो वेलोसिटी, मींस विल नॉट मूव। आइडियली अगर हम बात करें सबसे नीचे वाली रेस्ट में होगी, फिर ऊपर वाली थोड़ी चलेगी कुछ स्पीड से, फिर कुछ और स्पीड से, कुछ और स्पीड से, ज्यादा स्पीड से, और तेज सबसे फास्ट। समझ आया क्या नहीं आया? yes, ऐसे फ्लो को क्या कहते हैं? लेमिनार फ्लो। और अगर ये ओपन टू एटमोस्फियर नहीं है, इफ इट इज फ्लोइंग इन ए पाइप, इट इज फ्लोइंग इन ए पाइप, तो पाइप में सेंट्रल लेयर विल मूव फास्ट, एंड then as we move away from center the layers will move slow, and the layer in contact with pipe is moving with zero velocity just like this bottom layer। आई बात समझ में नहीं आई? yes, तो यहाँ पर लिक्विड फ्लो ऐसा, इसकी शेप पैराबोलिक बन जाएगी। इज इट क्लियर? तो ये लेमिनार फ्लो है। कैसा फ्लो है बच्चों? लेमिनार फ्लो। तो लेमिनार फ्लो में क्या होता है? लिक्विड मूव्स इन लेयर्स, लिक्विड मूव्स इन लेयर्स। कोई दिक्कत? Oh, अब एक इंपॉर्टेंट बात हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? क्रिटिकल वेलोसिटी। इसी से जुड़ा हुआ है, टाइप ऑफ लिक्विड फ्लो के साथ ही जुड़ी हुई बात है। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या चीज है? क्या लिक्विड जो मूव करेगा क्या उसकी मर्जी है कि वो जब दिल करे तो स्ट्रीमलाइन फ्लो में रहे, जब दिल करे तो टर्बुलेंट फ्लो बन जाए, जब मन करे तो लेमिनार फ्लो? ऐसा है? ऐसा नहीं होता है। इट डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी ऑफ लिक्विड, इट डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी ऑफ लिक्विड। तो क्रिटिकल वेलोसिटी क्या चीज है? क्रिटिकल वेलोसिटी
इसे वी सी से लिखते हैं बच्चों, सी जो है वो वी के चरणों में है, सबस्क्रिप्ट है, ठीक है, वी सी क्रिटिकल वेलोसिटी। तो ध्यान देना क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है, लिक्विड की वो वेलोसिटी, वो मैक्सिमम वैल्यू वेलोसिटी की जहां तक लिक्विड स्ट्रीमलाइन फ्लो में रहता है, और अगर उसके बाद भी वेलोसिटी बढ़ा दे लिक्विड की तो वो टर्बुलेंट हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है, तो ये क्रिटिकल वेलोसिटी लिक्विड की वो मैक्सिमम वेलोसिटी है जब तक लिक्विड स्ट्रीमलाइन फ्लो में रहेगा, और अगर लिक्विड वेलोसिटी उससे भी ज्यादा कर दे, यानी क्रिटिकल वेलोसिटी से भी ज्यादा कर दे, देन इट विल कन्वर्ट इनटू टर्बुलेंट फ्लो, इट विल कन्वर्ट इनटू टर्बुलेंट। बोलो बेटे बात समझ आई कि नहीं है, लिख लो सब फटाफट से, क्रिटिकल वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखवा रहा हूं एंड रिपीट नहीं करूंगा, एक बार में लिख लेना, ठीक है। द क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ ए लिक्विड इज दैट लिमिटिंग वैल्यू, इज दैट लिमिटिंग वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू भी कह सकते हो, इज दैट लिमिटिंग वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू अप टू विच द टाइप ऑफ लिक्विड फ्लो, अप टू विच द टाइप ऑफ लिक्विड फ्लो विल बी स्ट्रीमलाइंड एंड अबव विच the type of liquid flow will be turbulent, the type of liquid flow will be turbulent। बोलो कोई दिक्कत है, एनी डाउट टू एनीबडी, ठीक है जी। अब ये जो क्रिटिकल वेलोसिटी है ये तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, किन तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड अपॉन विस्कोसिटी, एक्चुअली कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्रिटिकल वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड क्रिटिकल वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर ऑफ द ट्यूब थ्रू व्हिच लिक्विड इज फ्लोइंग। तीनों बातें ध्यान से समझो, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी ज्यादा विस्कस लिक्विड होगा तो उसकी क्रिटिकल वेलोसिटी भी ज्यादा होगी, यानी वो ज्यादा फास्ट मूव कर सकता है स्ट्रीमलाइन फ्लो में, ठीक बात। अगर डेंसिटी ज्यादा हुई तो क्रिटिकल वेलोसिटी कम होगी, यानी ज्यादा डेंस लिक्विड अगर है तो उसकी क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू कम होगी, तो डेंसिटी बढ़ा दें अगर हम तो क्रिटिकल वेलोसिटी कम होती है। और डायामीटर ट्यूब का, जिस ट्यूब में से लिक्विड फ्लो कर रहा है उसका डायामीटर जानते हो, वेरी गुड, जिस ट्यूब में से लिक्विड फ्लो कर रहा है उसका डायामीटर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर डायामीटर ज्यादा है तो क्रिटिकल वेलोसिटी कम होगी, डायमीटर ज्यादा है तो क्रिटिकल वेलोसिटी कम होगी। इन तीनों फैक्टर्स को जब हम कंबाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि क्रिटिकल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नीटा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी एंड डायमीटर, हाँ है ना, यस सर। और नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर लगा देंगे एक कॉन्स्टेंट, दैट इज सिंपली के, के इज ए डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट, के इज ए डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट, सो के नीटा डिवाइडेड बाई रो डी, ये क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला है, के इज a dimensionless constant, k is a dimensionless constant। बोलो बच्चे बात समझ आई कहीं, yes sir। क्या critical velocity का formula आप सब बच्चों को समझ आ गया, yes sir। any doubt to anybody, no sir। ठीक है, एक छोटी सी बात और, वो भी इसी से जुड़ी हुई, type of liquid flow से, वो भी कर ही लेते हैं फिर साथ के साथ, okay, है ना, क्योंकि सारी बातें आपस में जुड़ी हुई हैं, तो फिर पीछे छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं। रेनॉल्ड्स नंबर, विच नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर, रेनॉल्ड का पेन चलाया है आपने तो पता नहीं, हम लोगों ने तो बहुत चलाया है, व्हेन वी वर स्टूडेंट्स रेनॉल्ड वाज वेरी फेमस इन पेन्स, ठीक है ना, 6 रुपए का आता था उस टाइम, 6 रुपए उस टाइम काफी ज्यादा होते थे, आज तो कम हो गए हैं, 6 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है, 6 रुपए गुम हो जाए तो तुम सोचोगे नहीं, और हमारा रेनॉल्ड का पेन जब गुम हो जाता था तो हमें नींद नहीं आती थी 3 दिन, क्योंकि रेनॉल्ड का पेन तो किसी किसी के पास होता था, बड़ा मतलब क्या बोलते हैं उसे, इज्जत वाला पेन था तो लेकिन ये वो वाला रेनॉल्ड नहीं है, यहाँ पर रेनॉल्ड इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, वी कैन से द नेम ऑफ द पर्सन हु सजेस्टेड दिस नंबर, दिस फार्मूला। व्हाट इज रेनॉल्ड्स नंबर, ये एक सिंपली नंबर है, गिनती, काउंटिंग, 1 2 3 4, ये एक नंबर है जो कि लिक्विड फ्लो की जानकारी देने के काम आता है, किसकी जानकारी देने का काम आता है, सिंपली मैं तुम्हें अगर बताना चाहूं तो अगर रेनॉल्ड्स नंबर 3000 से ज्यादा है
अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 3000 से ज्यादा है तो लिक्विड फ्लो टर्बुलेंट होता है। तो लिक्विड फ्लो कैसा होता है? टर्बुलेंट। और अगर रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से कम है तो लिक्विड फ्लो लेमिनार होता है। तो लिक्विड फ्लो कैसा होता है? लेमिनार। अच्छा बताओ, अगर रेनॉल्ड्स नंबर 3000 से ज्यादा है तो कैसा फ्लो? टर्बुलेंट। अगर रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से कम है तो कैसा फ्लो? लेमिनार। स्ट्रीमलाइन भी लेमिनार ही होता है, ये तो हम पहली बात कर चुके हैं। तो स्ट्रीमलाइन और लेमिनार भी कह सकते हो। और अगर 2000 से 3000 के बीच में हो तो फिर अनस्टेबल फ्लो होता है, वो कैसा भी हो सकता है। क्या होता है? अनस्टेबल फ्लो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है जी। रेनॉल्ड्स नंबर को आर से लिखा जाता है। किस से लिखा जाता है? आर से। एंड इट्स फार्मूला इज रो वी डी डिवाइडेड बाय बीटा। रो वी डी डिवाइडेड बाय बीटा, दिस इज द फार्मूला फॉर रेनॉल्ड्स नंबर। रो क्या है? रो क्या है? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। वी क्या है? वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड। डी क्या है? डायमीटर। किसका? ट्यूब का, जिसमें से फ्लो कर रहा है। और नीटा क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नो सर। ठीक है जी। तो अगर ये रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 2000 है तो टाइप ऑफ लिक्विड फ्लो कैसा? लेमिनार। और इफ दिस नंबर इज ग्रेटर देन 3000 तो टाइप ऑफ लिक्विड फ्लो कैसा? टर्बुलेंट। एंड इफ दिस रेनॉल्ड्स नंबर इज बिटवीन 2000 टू 3000 तो फिर कैसा? अनस्टेबल फ्लो कैसा भी हो सकता है। कोई समस्या बच्चों? नो सर। एनी डाउट? नो सर। रेनॉल्ड्स नंबर इज प्योरली ए नंबर, देयर इज नो यूनिट। इट इज प्योरली ए नंबर, इट हैज नो यूनिट। ये सिर्फ एक नंबर है, इसकी कोई यूनिट नहीं है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर, व्हाट यू विल से? इट इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी। इट इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी। बताओ बेटे, कोई समस्या है? नो सर। आज की इस क्लास में इतना ही। अगली क्लास में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, और उसके बाद हम पढ़ेंगे बर्नौलीज प्रिंसिपल। बहुत ही शानदार, इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आने वाले हैं। क्लियर? यस सर।